Welcome back, you aristocrats, you sigmas. और बड़े हफ्तों के बाद ऑफिशियली जो कार न्यूज वाला एपिसोड है वो सैटरडे को ही आ रहा है, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। हमारा 1,00,000 सब्सक्राइबर का एम है, 53,000 हो गए हैं, तो कर लो भाई, काफी मजे आएंगे सबको। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज है कि फोर्ड को आप जानते होंगे, वो इंडिया से कंपनी एग्जिट कर गई है। जो इनकी फैक्ट्री है इंडिया में बंद हो गई है, और इस ब्रांड की इंडिया में दो फैक्ट्री थी, जो की एक सनंद में थी और एक चेन्नई में थी। और जो इस ब्रांड की सनंद वाली फैक्ट्री है उसको टाटा मोटर्स टेक ओवर कर रहे हैं, मतलब वो फैक्ट्री को टाटा मोटर्स खरीद रहे हैं। और फैक्ट्री को बनाने में फोर्ड ने 4,500 करोड़ लगाए थे। इस फैक्ट्री में 2.4 लाख कार्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी है और 2.7 लाख पार्ट रेंज की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो काफी तगड़ी फैक्ट्री थी। और जो टाटा मोटर्स है इस वाली फैक्ट्री को खरीद रहे हैं, तो भाई ये सोचो कि फोर्ड ने अराउंड 4,500 करोड़ रुपए लगा दिए इस वाली फैक्ट्री को बनाने में, और अभी फैक्ट्री काफी तगड़े डिस्काउंट पे बिकने वाली है टाटा मोटर्स को। हो सकता है कि 10% वैल्यू पे बिक जाए अपनी कॉस्ट के, तो इसलिए भाई टाटा मोटर्स का फायदा है, फोर्ड का नुकसान है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, होता है ऐसा। फिर जो हमारी दूसरी न्यूज है वो है नितिन गडकरी की तरफ से, जिन्होंने इंडिया में हाइड्रोजन कार्स का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करा है, जिसमें वो चाहते हैं कि जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, फॉर एग्जांपल बड़े बड़े कार मेकर और जो भी इस वाली इंडस्ट्री में काफी बड़ा स्टेक रखते हैं, साथ ही में जो कंज्यूमर्स हैं जो कि गाड़ियां खरीदेंगे, उन सबको पता चले कि जो हाइड्रोजन कार्स हैं उनका फायदा क्या है और उनकी मास अडॉप्शन इंडिया में कैसे ला पाए। और इसके लिए इंडिया में इन्होंने टोयोटा मिराई को मंगवाया था, जो कि टोयोटा की एक हाइड्रोजन पावर्ड कार है, जिसमें आपको बढ़िया लुक्स मिलती है, आपको हाइड्रोजन वाली पूरी पावर ट्रेन मिलती है। और ऐसा मत समझना कि इस गाड़ी का लॉन्च हो गया इंडिया में और आप टोयोटा की डीलरशिप पे जाके इस गाड़ी को बुक करा सकते हैं। सिर्फ एक सिंगल गाड़ी आई है जो कि पायलट प्रोजेक्ट को शो करने के लिए आई है, और इसमें हमारी सरकार का ये एम है कि जो हाइड्रोजन वाले व्हीकल है वो काफी इको फ्रेंडली होती है, क्योंकि हाइड्रोजन वाले व्हीकल का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो पानी होता है, तो ऐसे सड़क पे अगर गाड़ी चल रही है तो पानी फेंकेगी पीछे, तो काफी सही चीज है। और साथ ही में इन वाली कार्स की काफी लंबी रेंज होती है एक सिंगल बार की रिफ्यूलिंग में, पर इनमें प्रॉब्लम ये है कि जो हाइड्रोजन है उसके 1 kg का प्राइस अराउंड $16 के आसपास का है, और जो मिराई है उसमें 5 kg का सिलेंडर है हाइड्रोजन का, तो इसमें अराउंड आप कह सकते हैं कि $80 की गैस भर जाती है हाइड्रोजन गैस। और इस पूरे टैंक में ये गाड़ी अराउंड 650 किलोमीटर चल जाती है, जो कि टोयोटा क्लेम करते हैं, जो कि अगर आप देखें तो काफी ऐसे बहुत फ्यूल एफिशिएंट है भी नहीं, ₹10 किलोमीटर तो पड़ ही रहा है। और साथ ही में जो हाइड्रोजन वाले पंप होते हैं उनको सेटअप करना काफी महंगा होता है, अराउंड 15 करोड़ रुपए लग जाते हैं एक सिंगल पंप को सेटअप करने के लिए, तो इसलिए थोड़ा महंगा पड़ता ही है। और इसलिए मैं मानता हूं कि जो हाइड्रोजन वाली टेक्नोलॉजी है उसकी सेंस बनती है, काफी लोग कहते हैं कि सेंस नहीं बनती, लेकिन मैं मानता हूं कि जो कमर्शियल व्हीकल है, बड़े बड़े जो ट्रक्स है और जो बसेस है उनमें यूज करना चाहिए इस वाली टेक्नोलॉजी को, और जो पैसेंजर व्हीकल्स है या फिर जो छोटी वाली कार्स है उनके लिए इसकी सेंस नहीं बनती। पर बाकी देखते हैं कि इस वाली टेक्नोलॉजी का क्या आउटपुट आता है आने वाले सालों में। फिर जो हमारी अगली न्यूज है वो ये है कि आपको याद होगा कि अभी थोड़े हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि एक शिप थी जिसमें 4,000 गाड़ियां फोक्सवैगन ग्रुप की थी, जिसमें बड़ी सारी लैम्बोर्गिनीज थी, बेंटलीज थी, पोर्शेस थी, साथ में फोक्सवैगन ग्रुप की कार्स थी। ये जो शिप है इसमें आग लग गई थी, और जब इस वाली शिप में आग लगी तो जो सारे क्रू मेंबर्स हैं उन्हें तो इवैक्यूएट कर लिया गया था सेफली, लेकिन जो आग है उसे बुझा भी पाए थे। लेकिन क्या हुआ, जो शिप है वो सिंक कर गई, जो गाड़ी है, जो 4,000 महंगी महंगी कार्स थी वो भी साथ में सिंक कर गई शिप के एकदम बीच में समुंदर के, तो इसलिए भाई उनका कुछ नहीं हो सकता। अब उनका जो इंश्योरेंस वैल्यू है वही कंपनीज को मिलने वाली है, और जो कंपनीज है उन्होंने अपने कस्टमर्स को इंश्योर कर दिया है कि अगर आपकी गाड़ी थी इस वाली शिप पे तो आपको रिप्लेसमेंट कार मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपसे पैसे ले लिए और आपको गाड़ी नहीं मिलने वाली, क्योंकि गाड़ी तो पानी में समुंदर में डूब गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको नई गाड़ी मिलेगी लेकिन थोड़ा डिले आ जाएगा आपके डिलीवरी टाइम में, और भाई सोचो उस वाली जगह पे ऐसे अराउंड 1,500 करोड़ की कार्स पड़ी है समुंदर के नीचे, तो अगर आपको लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर और ऐसे ही है तो बस जाओ समुंदर के नीचे खड़ी हुई है गाड़ी उसे जाके ले आओ और आपको फ्री में मिल जाएगी अपनी नई वाली लैम्बोर्गिनी। फिर जो हमारी अगली न्यूज है वो है महिंद्रा की तरफ से, जिन्होंने अपनी जो ईवी वाली कैटेगरी है उसके लिए एक नई टीजर वीडियो अपलोड करी है यूट्यूब पे, जिसमें जो गाड़ी का इंटीरियर है वो थोड़ा बहुत शोकेस हो रहा है, जिसमें आपको इस गाड़ी में डुअल वाली स्क्रीन मिलने वाली है जैसे आपको XUV700 में मिलती है, जो कि बहुत ही कूल है। और साथ ही में जो सेंटर कॉन्सोल है उसमें आपको ऐसे ऊपर वाली फीलिंग मिलती है जैसे थोड़ी बहुत सुपर कार्स में आती है। और साथ ही में जो गाड़ी है बहुत ही हाईटेक लग रही है, काफी मस्त लग रही है। और जो वीडियो है उसके एंड में लिखा था July 2022, मतलब इस गाड़ी का अनवेल 2022 के जुलाई में होने वाला है, जिस महीने में मेरा बर्थडे आता है उस महीने में महिंद्रा अपनी एक नई गाड़ी शोकेस करने वाली है, और साथ ही में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी होने वाली है। तो मान लो कि ये गाड़ी अराउंड 25 लाख रुपए की होती है, इसमें आपको XUV700 वाली पूरी लग्जरी मिलती है, आपको 500
किलोमीटर के आसपास की रेंज मिलती है, कितनी बढ़िया गाड़ी होने वाली है। तो देखते हैं इस गाड़ी का क्या होने वाला है इंडिया में और कैसी गाड़ी होने वाली है। फिर जो हमारी अगली न्यूज है वो है टोयोटा की तरफ से, जिन्होंने कह दिया है कि जापान में इस ब्रांड की 11 फैक्ट्रीज है और उन 11 फैक्ट्रीज में से ये ब्रांड 18 अपनी प्रोडक्शन लाइन्स को अभी थोड़े दिनों के लिए स्टॉप कर रहा है। और स्टॉप इसलिए कर रहा है क्योंकि जापान का एक काफी प्रोमिनेंट हाईवे है और उसमें अर्थक्वेक वगैरह जैसी कुछ सिचुएशन हो गई है और जो हाईवे है उससे ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं पा रही। तो इसलिए अगर ये ब्रांड गाड़ियां बनाता है तो उनको रखने की जगह नहीं होगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं रही। और ये वाले प्रोडक्शन स्टॉप से इस ब्रांड के अराउंड 20,000 गाड़ियों की प्रोडक्शन लॉस होने वाली है, जो कि बहुत ही बड़ी चीज है। और भाई मुझे समझ नहीं आ रहा यार, खत्म ही नहीं हो रही चीज है। पहले हमें लगा था कि चिप शॉर्टेज है बहुत ही बड़ी चीज, उसकी वजह से गाड़ियों की प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, अब वो थोड़ी बंद होने लगी है। फिर उसके बाद भाई लिथियम शॉर्टेज शुरू हो गई है जिसमें बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं पा रही और बहुत ही महंगी पड़ रही है। उसके बाद भाई कहीं पे भूचाल आ रहे हैं जैसे गाड़ियां बन नहीं पा रही, कहीं पे लड़ाई छिड़ी हुई है जैसे गाड़ियां आ नहीं पा रही, कहीं पे गाड़ियां बन गई तो जो शेप है उसमें आग लग रही है और गाड़ियां समुन्द्र में डूब गई। तो मुझे लगता है कि जो कार इंडस्ट्री पे कोई बुरा साया चल रहा है और हमें कार्वसल प्रोस को और एरिस्टोक्रेट्स को इस बुरे साय का कुछ करना पड़ेगा, हमें कोई तंत्र मंत्र पढ़ने पड़ेंगे इस बुरे साय को हटाने के लिए। तो भाई आप कमेंट में लिख के बताना आपको क्या लगता है कि कौन सा तंत्र मंत्र बढ़िया होगा। लेकिन भले जो कार इंडस्ट्री है उसमें काफी ज्यादा प्रोडक्शन लॉस हो रही है, लेकिन तब भी जो काफी सारे कार मेकर है उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस के आज तक के रिकॉर्ड प्रॉफिट शोकेस करे है। फॉर एग्जाम्पल बेंटली का अगर आप ले, बेंटली ने अपनी एग्जिस्टेंस में सबसे ज्यादा गाड़ियां इसी साल बेची है, साथ ही में इस ब्रांड की जो प्रॉफिट है सबसे ज्यादा इसी साल हुए है, जिसमें बेंटली ने इस साल 2.85 बिलियन यूरोस की गाड़ियां बेची है, जिसमें से इस ब्रांड को 389 मिलियन यूरोस का फायदा हुआ है जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। साथ ही में जो लैम्बोर्गिनी है उसने 1.61 बिलियन यूरोस की गाड़ियां बेची है और जो प्रॉफिट फिगर है वो बताया नहीं है। और जो ऑडी है उसने भी अपनी एग्जिस्टेंस के सबसे बढ़िया प्रॉफिट शोकेस करे है पिछले साल के, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कार मेकर्स है उन्हें फेवरेबल मिक्स का फायदा मिल रहा है, जिसमें जो गाड़ी है वो थोड़ी महंगी वाली बेच पा रही है, साथ ही में थोड़े महंगे महंगे ऑप्शन बेच पा रही है अपनी कार्स में, जिसमें उन्हें एडिशनल प्रॉफिट हो रहा है। और भले जो कार्स है वो थोड़ी कम बिक रही है लेकिन जो उनकी प्रॉफिट फिगर है वो बढ़ गई है। और जो हमारी आज की लास्ट न्यूज है कि जो 2022 वाली टोयोटा ग्लांस है उसका इंडिया में लॉन्च हो गया है, जिसमें इस गाड़ी में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता है इसकी लुक्स में, इसके इंटीरियर में और इसके प्राइस में, जिसमें जो लुक्स आपको सामने से डिफरेंट मिलती है, आपको साइड में नए अलॉयज मिलते हैं और बाकी जो गाड़ी है पूरी सेम है, और इंटीरियर में आपको कलर स्कीम का डिफरेंस मिलता है, और जो इसका प्राइस है उसमें आपको 5,000 के टेबल का डिफरेंस मिलता है, जिसमें जो बेस मॉडल है उसमें आपको 5,000 का डिफरेंस मिलता है। जो ग्लांस है 5,000 रुपए ज्यादा महंगी है एज कम्पेयर टू बलेनो। फिर जो उसके ऊपर वाला मॉडल है उसमें 10,000 का डिफरेंस है, जो उसके ऊपर वाला मॉडल है उसमें 15,000 का डिफरेंस है, और जो टॉप मॉडल है उसमें 20,000 रुपए का डिफरेंस है, जिसमें जो ग्लांस है वो 20,000 रुपए ज्यादा महंगी है एज कम्पेयर टू बलेनो। और बाकी जो दोनों कार्स है एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है उनकी पावर ट्रेन में, उनके इंजन में, उनकी बॉडी में, सब कुछ सेम है भाई। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको बलेनो में कुछ ज्यादा ही ऐसे लंबा सा वेटिंग टाइम मिल रहा है तो ग्लांस आप खरीद सकते हैं, काफी तगड़ी गाड़ी है जिसमें आपको टोयोटा का ब्रांड नहीं मिल रहा है और आपको मारुति की गाड़ी मिल रही है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। और यही था आज के हमारी कार न्यूज वाले एपिसोड में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब कर देना।